गुस्सा क्यों? क्या बात है? गए थे बड़े घर तो क्या वहाँ आ गई बड़ी मालकिन और लगी उल्टा सीधा सुनाने। तुमने तो कुछ नहीं कहा ना। कहा कैसे नहीं? क्यों ना कहती? मैंने भी सुना दिया जो जो मेरे दिल में आया। या खुदा, अल्लाह आखिर क्यों नहीं बख्शा तुझे? बड़े घर के लोग हैं वो। बड़े घर के लोग होंगे तो अपने घर में, और वैसे भी अम्मी कोई किसी दूसरे इंसान को छोटा बनाकर बड़ा थोड़े ही बनता है। अरे तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। 50 गज लंबी जबान है तेरी। 50 मरतबा लड़की को सोए धागे के फेर में मत डालो, मत डालो। मुझे मेरी कहाँ सुननी है? न जाने बड़ी मालकिन से क्या क्या कहकर आई है। इसको वैसे ही जिंदगी राख हुई जाती है। न जाने कौन सी चिंगारी भड़का कर आ रही है। अम्मी आप भी ना खम खाई। ठीक कह रही है वो। अरे घर में कोई भला इस तरह से बोलता है? मैंने आंखें भी दिखाई पर तू मेरी सुने तब ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुन, औलाद है तू मेरी। तेरी कौन सी नस कब फड़फड़ाती है सब मालूम है मुझे। आसिफ मियां को क्या बुरा भला कहूँ जब अपना ही सिक्का खोटा है। आदमी और सिक्के में फर्क होता है। Take some rest. No, it's okay. Can you mark me as a shoot to me? Yeah. अरे यार, ये आर्टिकल तो देखो। इसमें यहाँ से एक गांव के बच्चों के बारे में लिखा है कि वो घास उबालकर खाने पे मजबूर हो गए क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। देखो ये यहाँ से। प्रीतु, तुमने कभी सोचा था कि हमारे देश में कहीं ऐसी भी हालत होगी? बहुत हो गया यार, मैं चलता हूँ। ओके बाय। सेवी, हाँ? आज क्या तारीख है? 25 मई थर्सडे। क्यों? पितांत का बर्थडे। जो मैं कभी नहीं भूल सकती। आज कैसे भूल गई? भूली नहीं, शायद अब तुम और गहराई से मेरे मन में हो। बेटा, तुम्हारा एहसास मेरी हर सांस का हिस्सा बन चुका है। हैप्पी बर्थडे विदांत। हैप्पी बर्थडे। हर वक्त मेरे साथ। चलो प्रीतु, मुझे तो अभी काफी काम है। ओके, टेक केयर। We'll be right back.
खुदा तुम्हारा भला करे। तुम्हारा भला तो होगा ही रहीम, पर तुम्हारे भले के पीछे तो तुम्हारी लड़की पड़ गई। तो तुम हो तो मुझे बड़े घर जाना है, जरा रास्ता दो। इसी गांव के हो, रास्ता तो देंगे ही, भगवान ना करे जरूरत पड़ी तो कंधा भी दे। ये तुमने अच्छा नहीं किया रही, अपनी हैसियत तो देखी होती। ऐसा क्या किया है मैंने मंगल भाई जो तुम मुझे मेरी हैसियत दिखाने लगे? अरे भोले बन रहे हो मियाँ, पानी में रह के मगर से पैर। एक तो जवान लड़की घर में बिठा दी, ऊपर से सेना के सामने जबान खुलवा दी उसकी, फिर कहते मैंने क्या किया? अच्छा तो वो बात है, जैसे मैं बड़े घर जा रहा, बड़ी मालकिन के कपड़े भी धोने, शबनम की गलती की माफी भी मांगा। बड़े लोग हैं, छोटी छोटी बातें याद नहीं। ठीक कह रहे हो, अपनी किस्मत आजमा कर देख, हो सकता है कि तुम्हारी पूरी हड्डियां टूटने से बच जाए। वैसे तुम्हारी लड़की ने तुम्हारी हड्डियां तोड़वाने का पूरा इंतजाम करवाया। अच्छा मैं चलता हूं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। एक बात मेरी भी सुनते जाओ, नहीं बेटी की कमाई के चक्कर में उसको घर में मत बिठाओ, ससुराल रवाना कर दो। गांव में दो वक्त की रोटी अगर नहीं मिली तो बड़े घर की कृपा से। बेटी की कमाई के चक्कर में अपना बुढ़ापा खराब मत करो। खुदा का करम है मुझ पर कि इस उम्र में भी मैं 4-5 लोगों को बिठाकर खिला सकता हूँ। बेटी की कमाई खाने का शौक नहीं है मुझे, वो तो करम है अपने अपने, कुछ करस्तानी है जालिमों। कौन बाप अपनी बेटी को डोली पर चढ़ाकर दहलीज पर बिठाकर खुश होता है? ठीक कहते हो रहीम, पर अब मैं भी देखता हूँ कि कोई बेटी कैसे अपने बाप का जनाजा उठने पर। कमला जी, जी नमस्ते, आपके चाचा जी वो तो घर पर नहीं है। कब से लापता है जी? वो तो सवेरे से ही नहीं आए। ये आपके चाचा के ही हैं? जी पूछताछ चल रही है, कुछ भी पता चलने पर हम आपको खबर करवा देंगे। आप इस प्लेन को पहचानती हैं? जरा ध्यान से देखिए। और भी कुछ काम हो तो चाचा जी से कहना कि मुझे। खुद बीमारी बन गया राजपुरा के लिए, अब फंसा है जाल में कहां से कबूतर। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से आप मुझे घर में कैद करके रखना चाहती हैं? मेरी शक्ल तक बिरादरी में नहीं दिखाना चाहती। यही बात तुम विवाह के दिमाग में डाल दी है तो मेरी सारी परेशानी खत्म।